गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट थ्री वीडियो बच्चों वी हैव सीन दैट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैलेंस शीट बच्चों, ओके ना। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग पहला वीडियो क्या भेजा था बच्चों आपको, मैंने सोर्स ऑफ फंड के बारे में, राइट बच्चों। सेकेंड वीडियो में बच्चों मैंने क्या किया था, एप्लीकेशन ऑफ फंड के बारे में बच्चों। एंड द थर्ड वीडियो में क्या किया था बच्चों, मैंने फॉर्मेट किया था बच्चों, बराबर बच्चों। एक्चुअली तो एकदम फर्स्ट वीडियो तो बच्चों इंट्रोडक्शन था, उसको साइड में रख दो। देर आफ्टर दैट बच्चों, फर्स्ट वीडियो आई डिड द सोर्स ऑफ फंड, वेदर शेयर होल्डर फंड वर्सेज बारोड फंड बच्चों। फिर सेकेंड वीडियो में बच्चों मैंने किया था एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। और थर्ड वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दिया था वर्टिकल बैलेंस शीट का, ओके ना बच्चों। आप लोगों का है रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेवेन्यू मतलब बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट को बोलते बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अकाउंट बच्चों, अकाउंट मतलब बच्चों डेबिट एंड क्रेडिट ना, व्हेन यू से बच्चों अकाउंट मींस डेबिट एंड क्रेडिट, राइट, टू एंड बाय। बट आप बच्चों टी वाई बी कॉम में बताए, एफ वाई बी कॉम, एस वाई बी कॉम में आगे बच्चों वी आर डूइंग द कंपनी फाइनेंस अकाउंट। तो कंपनी अकाउंट में ऐसा बच्चों डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं होता है। अब हम लोग स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे, स्टेटमेंट। तो जब स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों हम लोग तो वर्टिकल फॉर्म में करते हैं। ऐसा कर सकते हो, सारे इनकम को एक साथ लिख दो, उसमें से क्या करो एक्सपेंस लेस कर दो। इनकम 100 रुपये है, एक्सपेंस 80 रुपीज़ है, तो बोलोगे आप 20 रुपये क्या हो गया बच्चों अपना प्रॉफिट ना बच्चों। इनकम ऑल द इनकम पुट ऑन द टॉप साइड बच्चों, एक्सपेंस 80, 100 रुपये इनकम है, 80 रुपये का एक्सपेंस है, 20 रुपये एक्सपेंस हो गया बच्चों प्रॉफिट हो, सॉरी। ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों एक्सपेंसेस 150 है, इनकम 100 रुपये, तो बच्चों एक्सपेंस 150 है और इनकम खाली 100 रुपये बच्चों, तो क्या होगा बच्चों 50 रुपये का अपने को लॉस होगा बच्चों। वाई, बिकॉज एक्सपेंस मोर है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग को वर्टिकल एनालिसिस करना है बच्चों अभी, ओके। तो उसको बोलते हैं बच्चों रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट नथिंग बट बच्चों अपना जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट था वही था, लेकिन अब हम लोग उसको टी फॉर्म में, यानी टी फॉर्म में, डेबिट क्रेडिट का फॉर्म में नहीं लिखे बच्चों, वी हैव टू राइट इन द वर्टिकल फॉर्म बच्चों, वर्टिकल बैलेंस शीट। जैसे वर्टिकल बैलेंस था बच्चों, अपना बैलेंस कैसा होता है नॉर्मली बच्चों, अप टू एफ वाई जे सी, एस वाई जे सी एंड एफ वाई बी कॉम में क्या किया बच्चों टी फॉर्म में बैलेंस शीट था ना, लायबिलिटी एंड असेट्स। लास्ट वीडियो मैंने कैसा दिया था बैलेंस शीट बच्चों, आपको वर्टिकल दिया रहेगा, ओके। पहले सोर्स ऑफ फंड और फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड बच्चों, ये था लायबिलिटी और ये था असेट्स, ठीक है बच्चों। तो अब था बच्चों आप लोगों को बैलेंस शीट कंपनी अकाउंट का है बच्चों। तो कंपनी अकाउंटिंग का एक स्पेशल पैटर्न होता है बच्चों, एक फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ओके बच्चों। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकेंडली बच्चों, ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ और एफ आई बी कॉम में क्या करते थे, सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, ऐसे सब एक्सपेंसेस आप पोस्ट करते थे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों को एक्सपेंसेस को क्लासिफिकेशन करना है बच्चों, क्लासीफाई करना है उसको, उसको डिवाइड करना है बच्चों, ओके। तो ये सब हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे बच्चों। चलो बच्चों, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बच्चों, जनरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज इन टी फॉर्म बच्चों। टी फॉर्म मतलब बच्चों डेबिट एंड क्रेडिट बच्चों, टी फॉर्मेट, डेबिट एंड क्रेडिट ऐसा टी फॉर्म, डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड बच्चों ना। तो हम लोग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बच्चों अभी 11, 12 एफ आई बी कॉम कैसे किया आपने, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज इन टी फॉर्मेट बच्चों, टू टी फॉर्मेट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, राइट बच्चो। बट इन कंपनी अकाउंट बच्चो वी हैव टू एक्सप्रेस द अकाउंट इन अ फॉर्मल मैनर बच्चो, फॉर्मल और इनफॉर्मल बच्चो। 11, 12 तक बच्चों आप जैसे चाहे वैसे अकाउंट कर दिए तो भी हो गया बच्चों, खाली अकाउंट टैली होना चाहिए बच्चों, और अपना कॉलर टाइट करते थे, यस। वो बात अलग है कि आज तक फाइनल अकाउंट टैली नहीं होता था कभी, लेकिन कॉलर टाइट करते थे। बट दैट इज नॉट अ अकाउंट, वो ककहरा था बच्चों, ककहरा था, ए बी सी डी ककहरा था बच्चों 11, 12 का अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बच्चों आपको अब इस साल से पता चलेगा, ओके बच्चों। सो बट इन कंपनी अकाउंट बच्चों वी हैव टू एक्सप्रेस द अकाउंट इन अ फॉर्मल मैनर, फॉर्मल मतलब फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या था बच्चों, जैसे चाहे वैसे लिखते थे हम लोग,
अब जैसे चाहे वैसे बच्चों, खाली कोई अपना स्पेशल पैटर्न नहीं रहता था बच्चों। मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेज, वो बस लिखते जा रहे थे बच्चों। लेकिन अब हम लोगों को बच्चों एक प्रॉपर हेड में लिखना पड़ेगा। सो फॉर्मेट, फॉर्मल मैनर इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब मतलब बच्चों गिवन फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब मतलब बच्चों गिवन फॉर्मेट, गिवन फॉर्मेट बाय द ICAI। क्या होता है बच्चों ICAI? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बच्चों सुने हो ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उनका जो फॉर्मेट है बच्चों उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, सो रेवेन्यू स्टेटमेंट इज अ वर्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बच्चों हम लोग जब वर्टिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते उसको वर्ड बोलते हैं बच्चों रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो अगर कोई बोल दे व्हाट इज अ रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो वर्टिकल वर्जन होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट। बट इन अ रेवेन्यू एक्सपेंस, सॉरी रेवेन्यू स्टेटमेंट we have to show all the income and expenses under the specific head head in a detail bachcho। ab revenue strategy se humne bachcho balance sheet mein kaise kiya tha, source of fund, to usme shareholder fund, share capital, fir reserves, fir less fictitious asset, fir borrowed mein bachcho secured versus unsecured, fir application mein bachcho pehle fixed asset usme bhi tangible versus intangible, fir investment, देन वर्किंग कैपिटल, उसके अंदर करंट असेट था, करंट असेट में फिर क्विक एंड नॉन क्विक था बच्चों, देन करंट लायबिलिटी, क्विक एंड नॉन क्विक, याद ना बच्चों पूरा डिटेल था। वैसे बच्चों प्रॉफिट लॉस में भी बहुत सारे डिटेल आएंगे बच्चों। ओके, लेकिन उसके पहले बच्चों अपने को उसका आइडिया होना चाहिए, तभी देखते हैं बच्चों हम लोग कैसे एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे बच्चों। ओके चलो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। क्लासिफिकेशन तो वर्गीकरण, डिवाइड करना बच्चों। ओके, तो देखते हैं हम लोग बच्चों, बनो जैसे हम लोग बच्चों मैंने लायबिलिटी कैसे किया था बच्चों बैलेंस शीट के लिए, पहले सोर्स ऑफ फंड किया बच्चों आपको मैंने बताया, उसके बाद बच्चों मैंने एप्लीकेशन ऑफ फंड किया, वैसे इसके अंदर भी बच्चों मैं करूँगा। और इसका आपको नॉलेज हो जाएगा बच्चों तो आराम से हम अकाउंट हो जाएगा बच्चों, अकाउंट अकाउंट मैनेजमेंट बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंस बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों इनकम में करता हूँ। ओके, इनकम बच्चों डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन इज अ ऑपरेटिंग इनकम एंड अदर वन इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब बच्चों मेन एक्टिविटीज, जैसे बच्चों मैं अगर छोड़ बाकी सब, मेरा क्लास है बच्चों, तो मेरा क्लास है तो बच्चों मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, बच्चों से फीस मिलता है, यही मेरा मेन एक्टिविटीज है बच्चों। तो मेरे पढ़ाने से बच्चे जो मुझे फीस देते बच्चों वो क्या मेरा मेन इनकम है बच्चों। ओके बच्चों, अब मान लो बच्चों पिछले 6 महीने से क्लास बंद है बच्चों, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा था, नो इनकम बच्चों। अगर नो इनकम है तो क्या भूखे मर रहूँ? नहीं, अगर मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किया रहेगा बच्चों, कुछ पैसे जमा किया रहेगा कहीं, तो वहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, वो मेरा क्या बच्चों नॉन ऑपरेटिंग है बच्चों। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब मेन एक्टिविटीज बच्चों। ओके, जब आपका कोई भी जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज है बच्चों मेन एक्टिविटी, उससे आपको जो जो इनकम जनरेट होता है बच्चों उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। द इनकम अर्न और जनरेटेड थ्रू मेन एक्टिविटीज और ऑपरेशन वर्क बच्चों। जैसे बच्चों एग्जांपल, अब मैन्युफैक्चरर बच्चों फैक्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरर लोगों के लिए मेन काम क्या बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। वो बिस्किट फैक्ट्री है तो बिस्किट प्रोड्यूस करना, कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री बच्चों तो कॉटन कपड़े प्रोड्यूस करना, ये उनका मेन एक्टिविटीज है। बैंक है बच्चों, बैंक का मेन काम क्या है बच्चों? लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। लेंड करना मतलब बच्चों लोगों को कर्ज देना, लोगों से कर्ज लेना, मतलब जब हम पैसे बच्चे बैंक में जमा करते तो अल्टीमेटली हम लोग बैंक को लोन दे रहे बच्चों। आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो बच्चों, आपके पैसे बैंक में है तो हमने बैंक को लोन दिया ना, और बैंक से आप लोन ले रहे हो बच्चों, तो यही उसका मेन एक्टिविटीज है बच्चों। स्कूल कॉलेज क्लासेस क्या बच्चों? एजुकेशनल एक्टिविटीज। सिनेमा हॉल बच्चों मूवी। ओके बच्चों, टूर्स एंड ट्रैवल्स है बच्चों, तो ट्रैवलिंग एजेंट, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं जो ट्रैवलिंग। जाट भी बच्चों हर एक का मेन एक्टिविटीज़ है बच्चों। ओके, और वो मेन एक्टिविटीज़ करके आप जो इनकम अर्न करते बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग इनकम बच्चों। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ?
ऑपरेटिंग इनकम मतलब आप कोई भी काम कर रहे बच्चों। अब होटल है बच्चों, अब होटल में दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक वो स्टे रहने के लिए होता है बच्चों, कमरा ठहरने के लिए, और एक खाली खाना खाने के लिए। अगर वो रेस्टोरेंट है बच्चों तो उसमें क्या है, लोगों को फूड, लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स, लोगों को टी स्नैक्स सर्व कर रहे बच्चों, वही उनका मेन एक्टिविटी है, वही करके उनको अर्निंग हो रहा है बच्चों, जैट ये मेन एक्टिविटी हो गया बच्चों। ऑटो रिक्शा वाले क्या बच्चों, लोगों को ट्रैवल कराएंगे बच्चों एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ये उनका मेन काम है बच्चों, वही उनसे उनका इनकम का सोर्स है बच्चों, दैट इज कॉल्ड मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी से जो आपका इनकम जनरेट होता है बच्चों उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, समझता बच्चों। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया बच्चों मेन एक्टिविटीज़ के लिए। अब सिनेमा हॉल बच्चों, तो सिनेमा हॉल में क्या है, मूवी ही उसका ही है। क्रिकेट स्टेडियम में बच्चों, तो क्रिकेट स्टेडियम कैसे होगा बच्चों अर्निंग, तो क्रिकेट स्टेडियम में अर्निंग उनका बच्चों मैच जो भी होगा बच्चों मैच का प्रोग्राम उससे होगा। कभी स्कूल का याद है बच्चों, जब सैटरडे रहते थे, सैटरडे को जब छूटते थे तो ग्राउंड, अगर आपके स्कूल में ग्राउंड रहेगा बच्चों तो सैटरडे को टेंट बांधते रहते हैं, फिर जब मंडे को आते थे बच्चों तो देखते हो टेंट खुलता रहता था। इसका मतलब बच्चों सैटरडे को टेंट बांध रहे हैं, मंडे को टेंट खुल रहा है, मतलब संडे को कोई प्रोग्राम था आपके स्कूल के ग्राउंड में बच्चों। ये क्या बच्चों, स्कूल को सेकेंडरी इनकम है बच्चों, ये प्राइमरी इनकम नहीं है, क्योंकि स्कूल का मेन काम क्या बच्चों, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ था, बच्चों का जो फीस मिल रहा है वही उनका मेन इनकम बच्चों। अब मान लो कोई स्कूल है, अब हॉल है या मान लो ग्राउंड है बच्चों, तो शादी ब्याह फंक्शन के लिए आप किसी और को रेंट पे दे सकते हो बच्चों, और उनका सेकेंडरी इनकम है बच्चों, प्राइमरी इनकम नहीं। तो जो ऑपरेटिंग इनकम होता है बच्चों ये प्राइमरी इनकम होता है, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इनकम। ओके बच्चों, और जो नॉन ऑपरेटिंग है बच्चों ये सेकेंडरी इनकम है। क्या बच्चों, ये सेकेंडरी इनकम है, ठीक है बच्चों। सो इनकम अर्न और जनरेटेड थ्रू मेन एक्टिविटी और ऑपरेशन इट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम, राइट बच्चों। जैसे अपने चार एग्जांपल है बच्चों, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बोला था, सेल्स डिस्काउंट रिसीव बच्चों, ऑफकोर्स आपका बच्चा यू आर अ ट्रेडर, आप रेगुलर खरीदते बेचते हो बच्चों, तो डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा, मुझे भी अपने सप्लायर से डिस्काउंट मिलता रहेगा बच्चों, ये रेगुलर एक्टिविटीज़ है बच्चों, डिस्काउंट रिसीव। कमीशन रिसीव्ड बच्चों, बिजनेस कर रहे बच्चों तो उस पर रेगुलरली इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कमीशन बच्चों। अब क्या है बच्चों, कमीशन का पार्ट बच्चों, मैं तो करता किया नहीं बच्चों लेकिन बता रहा हूँ, बहुत सारे क्लास है बोलो। अब मान लो जैसे कोई साइंस क्लास है बच्चों, सबको मान लो मेरा क्लास है कॉमर्स स्टूडेंट का है, अब कोई मेरा फ्रेंड है या कोई है बच्चों साइंस क्लासेस से रिलेटेड, वो मेरे से टाई अप कर रखा है, सर आपके स्कूल में अगर आपके क्लास में कोई साइंस के लिए आएंगे तो प्लीज़ आप मेरी तरफ उनको भेज दीजिएगा या मेरा रिकमेंडेशन कीजिएगा। डॉक्टर लोग लिखते बच्चों मेडिसिन यहाँ से कराओ, ब्लड रिपोर्ट यहाँ से कराओ, ये क्या बच्चों रिकमेंडेशन है। ओके, वो लिखा था अगर आप किसी और जगह से एक्सरे कराओ, किसी और जगह से ब्लड रिपोर्ट, नहीं नहीं ये रिपोर्ट बराबर नहीं है, नहीं 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 चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई, दोनों ब्लड रिपोर्ट में क्या अलग है? लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर उस जगह से टाई अप है बच्चों, तो डॉक्टर को वहाँ से कमीशन मिलेगा ना बच्चों, यही तो आजकल चलता कहानी। तो दैट इज़ द बच्चों कमीशन रिसीविंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हो गया बच्चों आजकल। और बैड डेट्स रिकवरी बच्चों, जब बिजनेस कर रहे बच्चों तो बिजनेस का दूसरा नाम ही क्या बच्चों, रिस्क। तो अक्सर वो बैड लॉस हो गया है बच्चों, लॉस हो गया तो कभी हो सकता है उसमें कुछ ईमानदारी तो रिकवर कर देंगे, पे कर देंगे, कुछ और नहीं पे करेंगे बच्चों, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। ओके बच्चों, सो दिस फोर आइटम इज़ कॉल्ड बच्चों ऑपरेटिंग, विच आर दे, सेल्स डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव और बैड डेट्स रिकवरी, जो पैसे डूब गया था बच्चों पैसे रिकवर हो गया। ओके, ये चार आइटम बच्चों को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, राइट बच्चों। अब दूसरा पार्ट बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों इनकम अर्न फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज बच्चों, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस फंक्शन बच्चों, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बच्चों। पहले बोलते थे बेटा दो नाव पे सवार मत हो डूब जाएगा, लेकिन बच्चों अब वक्त ऐसा आ गया कि दो तीन नाव पे सवार होगे तो ही मंजिल तक पहुँचोगे बच्चों। ओके, फरवरी और जनवरी तक कौन जानता था बच्चों दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, लेकिन 6 महीने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचे बच्चों। तो जो लोग दो तीन नाव पे सवार थे बच्चों वो चल रहा है बच्चों,
जैसे मान लो अगर जॉब एक्टिविटीज मान लो, जैसे मैं ही बच्चों डायरेक्ट क्लास में लेता था बच्चों, ये मेरा आदत था, तब मैं नहीं जानता था कि मोबाइल का इतना यूज होता था बच्चों, लेकिन अब मोबाइल से कर रहा हूँ मैं। तो जिसके पास स्किल है बच्चों वो अदर एक्टिविटीज़ कुछ कर रहा है और करके अपना अर्निंग कर रहा है, दैट इज बच्चों। सो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों, तो कहीं पे पैसे आपने इन्वेस्ट किया बच्चों, कहीं शेयर मार्केट में पैसे लगाए, तो वहाँ से क्या मिलेगा बच्चों आपको? डिविडेंड मिलेगा बच्चों। ओके बच्चों, ये डिविडेंड कौन देगा बच्चों? आपको कंपनी देगा, आपने कंपनी जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया बच्चों, बैंकों में पैसे डिपॉजिट किया बच्चों, वहाँ से आपको इंटरेस्ट आएगा बच्चों। क्लेम रिसीव एज अ कॉम्पनसेशन फ्रॉम फॉर डैमेज बच्चों, किसी ने आपका कुछ नुकसान कर दिया बच्चों और आपने केस कर दिया, कंगना रनावत का नुकसान कर दिया भाई, कौन भाई? बीएमसी वाले। तो कंगना जी ने 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन का केस कर दी है, ओके, अगर उसके कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दिया तो बीएमसी को 2 करोड़ उसको देना पड़ेगा। डेट इज अ क्लेम रिसीव्ड एज अ कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज, जो नुकसान हुआ रहेगा बच्चों उसके लिए आपने कुछ क्लेम लिया है। ओके बच्चों, एंड देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और असेट्स बच्चों, कोई प्रॉपर्टी था बच्चों 50,000 का, आपने उसको 60,000 बेच दिया, तो आपका 10,000 क्या आ गया बच्चों? प्रॉफिट। तो ये 4 आइटम क्या है बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्लेम रिसीव एज अ कॉम्पनसेशन फ्रॉम डैमेज, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बच्चों। तो ना बच्चों, ये 4 आइटम है ऑपरेटिंग इनकम, दी 4 आइटम है बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों। ओके चलो बच्चों, ये है एक्सपेंसेस का बच्चों, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस लिखा हूँ बच्चों ऑलरेडी और फैमिलियर, ये सब जानते हो, खाली हम लोग को अब बच्चों डिफरेंट डिफरेंट हेड में लिखना है। ओके बच्चों, सो जैसे आप लोग इनकम में था बच्चों ऑपरेटिंग, वैसे और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों। एक्सपेंस ऑन द ऑपरेशनल और मेन एक्टिविटीज, आपका जो मेन एक्टिविटीज है जैसे मान लो मेरा क्लास है बच्चों, तो क्या मेन एक्सपेंसेस रहेगा मेरा? इंक, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके, ये सब मेरा बच्चों मेन एक्टिविटीज़ पे है। सो ऑल एक्सपेंसेस ऑन द मेन एक्टिविटीज इज कॉल ऑपरेटिंग। अब बच्चों इस साल तो गणपति बप्पा का चंदा मांगने के लिए कोई नहीं आया, नहीं तो बच्चों हर साल गणपति का चंदा मांगने के लिए भाई लोग आते थे 10-12 लोग का गैंग, तो क्या है बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग है, वो मेरे क्लास से कनेक्टेड नहीं बच्चों, बट वी हैव टू पे, इट इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग में जब लिख रहे ना बच्चों, तो मैं 2 पार्ट लिखा हुआ इस समय बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड ट्रेडर यूनिट बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब बच्चों मैन्युफैक्चरर, तो अपने को दोनों टाइप के सम रहेंगे बच्चों, तो कैसे करें देखेंगे बच्चों हम लोग। तो मैन्युफैक्चरर मतलब बच्चों जो फैक्ट्री है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी होते हैं बच्चों, और जो ट्रेडर है बच्चों वो ऑफिशियल है, खाली खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, ट्रेडर, ट्रेडर मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ओके बच्चों, सो दैट्स व्हाई आई पुट इट द 2 पार्ट बच्चों। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बच्चों, अब जो जो फैक्ट्री है बच्चों, अगर शुगर फैक्ट्री है तो क्या करें बच्चों? रॉ मटेरियल लाएगा बच्चों, शुगर के लिए क्या चाहिए बच्चों? वी नीड अ शुगर के लिए शुगर केन। बिस्किट फैक्ट्री बच्चों, तो क्या चाहिए आपको ब्रेड बनाने के लिए? क्या चाहिए बच्चों? फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए बच्चों, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम। देन वेजेस, मालूम बच्चों सब क्या मैं बता अभी फैक्ट्री में का? तो चलो बच्चों, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सब मुझे कुछ समझाने जरूरत है बच्चों, मालूम है ये सब कहाँ आता था बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में ना। हाँ बच्चों, वही ट्रेडिंग अकाउंट का ही आइटम है बच्चों। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल बच्चों, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लाइक द फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, मोटी पावर, कॉस्ट ऑफ डॉक चार्ज, डॉक चार्ज क्या होता है बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है उसको हम लोग डॉक चार्ज है बच्चों, पानी वाले जहाज से मटेरियल को ब्रिंग कर रहे हैं बच्चों हम लोग, दैट इज डॉक चार्ज। रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन बच्चों, रॉयल्टी, आपको कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना बच्चों, लेकिन उसका डिज़ाइन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डिज़ाइन लो, जैसे इंडिया के बच्चों बॉलीवुड, अपना बॉलीवुड चोर लोग क्या करते हैं, हॉलीवुड या किसी और साउथ के पिक्चर का कहानी को चोरी करते और फिर अपना पिक्चर बना के कॉलर टाइट करते कि मेरा पिक्चर बन गया, तो लोगों को रॉयल्टी देना पड़े बच्चों। अगर सामने वाला क्या अगर केस कर दिया कि हमारी कहानी को आपने चोरी किया है, तो यू हैव टू पे देम, दैट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो ऐसे आपने किसी का डिज़ाइन लिया है बच्चों, तो उनके डिज़ाइन के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन।
फ्राइट इनवर्ड एंड डेप्रिसिएशन मशीनरी बच्चों, तो ये सब बच्चों एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बच्चों। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर बाय चांस मान लो मैन्युफैक्चरिंग का समय आया बच्चों, इफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बच्चों, देन दीज आइटम विल बी सोन अंडर द हेड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर बच्चों क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा, सवाल जब पढ़ेंगे बच्चों तो अपने मालूम रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक ही ट्रेडर है बच्चों। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा तो ये सारे आइटम कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा बच्चों, टेंशन मत लो, रिलैक्स। सम मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा बच्चों तो ये सारे एक्सपेंसिव जो वेजेस, कैरेज, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, डॉक चार्जेस, डेप्रिसिएशन मशीनरी। क्यों मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिखा हूँ बच्चों? सर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग नहीं, नहीं, फैक्ट्री में क्या यूज होता है बच्चों? मशीन यूज होता है, इसलिए। ओके बच्चों, तो उसको कहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले में। लेकिन मान लो बच्चों अगर ये एक्सपेंसिव क्वेश्चन में है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर का है बच्चों, इफ एक्सपेंसेस गिवन बट क्वेश्चन इज ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर, देन सच एक्सपेंस विल बी सोन अंडर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। बराबर समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे तो बच्चों ये पूरा नहीं आएगा पॉइंट, कभी कभी खाली वेजेज आता है बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर क्वेश्चन पढ़े और लग रहा है कि मैन्युफैक्चरर का है तब तो एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखेंगे। बट आपने सम पढ़ा बच्चों, बट ये सब क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर का नहीं है बच्चों, ट्रेडर का है। एक्सपेंसेस गिवन, एक्सपेंस दिख रहा है, ये ऑल एक्सपेंस नहीं रहेगा बच्चों। सम में वेजेस दिख रहा है बच्चों, वेजेस हो गया, पावर फ्यूल हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया बच्चों। ओके ना, इफ एक्सपेंसेस गिवन बट क्वेश्चन इज ऑफ ट्रेडर है बच्चों, अब जो ट्रेडर है बच्चों तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बनाना है, देन सच एक्सपेंसेस विल बी सोन अंडर द हेड ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये है, अगर फैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा बच्चों तब ये एक्सपेंसेस के अलग से हेड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं बच्चों, नॉर्मल समय ट्रेडर का समय बच्चों, तो ये एक्सपेंसेस को कहाँ डालने का बच्चों? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में बच्चों। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे एक्सपेंस मान लो बच्चों ट्रेडर का समय और वेजेज आ गया बच्चों, तो आप सर बोलेंगे, सर ने बोला था वेजेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालने के लिए, अब यहाँ वेजेस कैसे डालूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो वेजेस को कहाँ डाले? जैसे तो सैलरी है ना बच्चों, वैसे ही ऑफिस एंड सैलरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव में डाल देंगे वेजेस। कैरेज कहाँ डाल देंगे बच्चों? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में डाल देंगे, कभी बच्चों जब ट्रेडर का समय रहेगा तो। ओके, ऐसे ज़्यादातर केस है बच्चों टी वाई में ये सब आइटम आ रहा था तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बोलते हैं हम लोग, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हेड बनेगा बच्चों। ओके, और नॉर्मल सब में क्या आएगा बच्चों? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। आप टेंशन मत, अभी इतना याद रखो बच्चों कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सब एक्सपेंस है बच्चों, इसको कहाँ लिखते हैं हम लोग बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। ये अभी रन दो बच्चों, इसका टेंशन मत लो, मैं आपको जब अगला वीडियो बताऊंगा बच्चों तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, टेंशन मत, रिलैक्स। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब कौन सा आइटम है बच्चों? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये सब याद है बच्चों? ये सब ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। हाँ, रॉ मटेरियल, वेजेस, कैरेज, ऑक्ट्राय, पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर, ओके, डॉक चार्ज, ये सब आइटम बच्चों कहाँ लिखते हैं इसके बच्चों हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके बच्चों, अब ट्रेडर में बच्चों हम लोग का फोर पॉइंट है,
office and administrative expenses. All expenses related to office. All expenses related to office बच्चों तो जाता है office and administrative में. देख लो सैलरी टेलीफोन बिल बच्चों इंश्योरेंस प्रिंटिंग पोस्टेज ऑडिट फीस क्या आता है बच्चों सीए का फीस चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस बच्चों ऑडिटर ऑफिस एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस सन्ड्री मिसलिनियस ये सब छोटे मोटे एक्सपेंस है बच्चों डायरेक्टर फीस लीगल चार्ज लीगल बच्चों वकीलों का खर्चा लॉ फीस मतलब वही है बच्चों प्रोफेशनल फीस किसी एक्सपर्ट को बुलाया बच्चों उसका खर्चा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग डेप्रिसिएशन कंप्यूटर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अब फर्नीचर कहाँ पे यूज होता है ज़्यादातर ऑफिस में बिल्डिंग ऑफिशियल है बच्चों इसलिए इसका डेप्रिसिएशन कहाँ लिखे बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों ये सब ऑफिशियल आइटम है बच्चों ओके अब बच्चों क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स बच्चों सेल्समैन सैलरी सेल्समैन कमीशन बच्चों एडवर्टाइजिंग बैड डेब्ट्स बच्चों फ्री सैंपल याद है बच्चों फ्री सैंपल दो के साथ एक फ्री कैरेज आउटवर्ड डेप्रिसिएशन डिलीवरी में बच्चों जो सामान डिलीवर करता है बच्चों उसका डेप्रिसिएशन डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस ऑन डिलीवरी को रिपेयर करने का बच्चों खर्चा है कुछ ओके शोरूम एक्सपेंस शोरूम मतलब बच्चों एग्जीबिशन लाइटिंग चकाचौंध बच्चों मार्केट मॉल ओके दैट इज अ शोरूम ट्रेड फेयर एक्सपेंस बच्चों मतलब कभी इवेंट बहुत सारे बच्चों जॉब पे जाते हैं इवेंट के लिए तो प्रोडक्ट का प्रदर्शनी लगाना बच्चों स्कूल में था बच्चों साइंस एग्जीबिशन याद है कुछ साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट का हाँ तो ऐसे एग्जीबिशन एक्सपेंस और ट्रेड फेयर एक्सपेंस बच्चों ये सब मार्केटिंग है बच्चों ओके फ्राइट आउटवर्ड एंड ट्रैवलिंग ये सब रिलेटेड किससे बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बच्चों ठीक है अगर इसमें से कोई भी आइटम का अगर डाउटफुल रहेगा बच्चों तो आप मुझे मैसेज देना मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में मैं उम्मीद करता बच्चों ये सब आइटम हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं बच्चों ओके मेरा काम था खाली आपको कुछ किस हेड में डालेंगे बच्चों वो इम्पोर्टेंट था बच्चों ओके फाइनेंस में बच्चों बैंक चार्जेज बच्चों बैंक ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया है जैसे आप बच्चों एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं बच्चों महीने में 5 बार आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं बच्चों छठी बार विड्रॉ किए तो बैंक आपको चार्ज लेगा बच्चों ओके कैश डिस्काउंट अब देखो बच्चों यहाँ मैं लिखा हूँ डिस्काउंट खाली डिस्काउंट रहेगा बच्चों तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का स्पेशली दिया बच्चों कैश डिस्काउंट वर्ड दिया है तो कहाँ लिखते बच्चों हम लोग फाइनेंस में ओनली डिस्काउंट सेलिंग कैश डिस्काउंट फाइनेंस बैड डेब्ट्स ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटी जो अब देखो बच्चों बैड डेब्ट्स मैंने यहाँ पे भी लिखा हूँ बैड डेब्ट यहाँ लिखा आपको लॉजिक बोलो बच्चों तो 99% याद रखना बच्चों बैड डेब्ट्स सेलिंग में ही आएगा 99% लिख के दो 1% होता है बच्चों फाइनेंस आ रही अब ये बैड डेब्ट्स मतलब बच्चों मैंने कस्टमर को गुड्स बेचा था लेके भाग गया इससे बच्चों मैंने किसी फ्रेंड को पैसे या किसी को दिया था पैसे दिया था बेचा सामान नहीं बेचा बच्चों पैसे दिया था लेकिन वो पैसे रिकवर नहीं हुआ भाग गया बच्चों तो क्या बोलूँ मैंने सामान बेचा क्या नहीं आपने किसी को उधार दिया है लोन दिया है और पैसे लेके निकल गया तो बोलते बच्चों बैड डेब्ट्स ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ समझा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ अगर बच्चों हम किसी को लोन देते हैं ओके ना और वो पैसे रिकवर नहीं होता बच्चों नीरव मोदी भाई विजय माल्या नीरव मोदी भाग गए ना भाई पैसे लेके बैंकों का तो क्या बच्चों बैड डेब्ट्स ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ओके ठीक है बच्चों अगर कस्टमर लेके पहले लेकिन बैंकों के लिए नीरव मोदी क्या था बच्चों कस्टमर था बैंक के लिए तो उनके लिए वो बैड डेब्ट्स है बच्चों आप सिंपली बच्चों अगर दुकानदार हो कस्टमर पैसे लेके सामान बेचे और कस्टमर लेके भाग गया तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स लेकिन किसी को आपने सामान नहीं बेचा किसी को खाली पैसे उधार में दिए बच्चों और वो पैसे आपको रिकवर नहीं हुआ तब बोलते बैड डेब्ट्स ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्वेश्चन में खाली बैड डेब्ट्स वर्ड दिया बच्चों तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का बैड डेब्ट्स उधर दिया रहेगा बच्चों फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए तब हम लोग फाइनेंस में लिखे बच्चों ओके एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट के लिए अलग से हेड है बच्चों ठीक है बच्चों ये सब क्या हो गया बच्चों आपका ऑपरेटिंग ये सब है बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट है बच्चों ठीक है अब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है बच्चों प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ
अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, याद है बच्चों ये सब क्या था, फिक्टिस एसेट था, तो फिक्टिस एसेट रिटर्न ऑफ, रिटर्न मतलब बच्चों राइट ऑफ कर रहे, राइट ऑफ और डेप्रिसिएशन मतलब एक ही जैसा है बच्चों, खाली जो टेंजिबल एसेट होता है उस पर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते बच्चों, और इनटेंजिबल एसेट पर हम लोग राइट ऑफ वर्ड यूज़ करते बच्चों, ओके। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी पेड बच्चों, अभी बच्चों हम लोगों ने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम किया था, कंपनी किसी को आपका कुछ डैमेज कर दिया बच्चों, उसके खिलाफ आपने केस कर दिया, तो आपको कॉम्पनसेशन दे रहा बच्चों, मतलब क्या आप लोग आपका बुरा करें, मतलब गलत होगा, आपसे कभी गलती नहीं हो रहेगा क्या, आपने भी किसी का नुकसान कर दिया, जो मान लो बच्चों मैं यहाँ पे दीवार पे खिला मारा, खिला मारते मारते कैसे उधर उस साइड का कुछ टूट गया बच्चों, तो मुझे भर के देना पड़ेगा ना बच्चों। तो क्लेम अगेंस्ट कंपनी पेड, क्लेम अगेंस्ट कंपनी मतलब हमारे खिलाफ किसी ने केस किया बच्चों, तो हमें को पे करना पड़ रहा है, हमने किसी के खिलाफ केस किया बच्चों और हमको मिल रहा है, तो अपने लिए वो इनकम था बच्चों, ओके ना, किसी दूसरे ने कुछ गलत कर दिया बच्चों और अपना नुकसान हो गया, तो हमने केस किया तो अपने को वो दिया, मेरे लिए इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं कुछ कर रहा था, काम कर रहा था बच्चों, घर बना रहा था बताओ, घर बनाते बताओ दूसरे का घर तोड़ दिया, ऐसे होता है आज के जमाने में, अपना बनाओ दूसरे का तोड़ो, अगर दूसरा मजबूत है तो अपने पर केस कर देगा और दूसरा कमज़ोर है तो ओके। तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी पेड, और देन क्या बच्चों, फाइन एंड पेनल्टी फॉर ब्रीचिंग द लॉ, इस साल बच्चों अपना लॉ सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ड आएगा ब्रीच, ब्रीच मतलब होता था कानून का उल्लंघन करना, कानून तोड़ना, तो अगर आपने कुछ कानून तोड़ा बच्चों तो उसके लिए फाइन और पेनल्टी भरना पड़ता है, ये सब था क्या बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों। तो इन सब आइटम का बच्चों अगर आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा आइटम किस हेड में डालेंगे बच्चों, तो आपके लिए बहुत आराम से ये अकाउंट हो जाएगा बच्चों, ओके। तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे बच्चों, कोई भी पर्टिकुलर आइटम का बच्चों अगर आपको डाउटफुल रहेगा ओके कि क्यों इस हेड में आया, तो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ज़्यादातर याद रखें बच्चों, एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड होता है वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्सपेंसेस जो मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है बच्चों तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्या बच्चों आप लोगों का एक्सपेंसेस से रिलेटेड थिंग्स।